जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि जिन बच्चों को 2023 में यानी कि इस साल एग्ज़ाम देना है उनके पास एक सवाल था कि सर हमें इस साल का वीडियोस कहाँ मिलेगा, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए, और उसमें ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या किया, आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया। इस पीडीएफ में देखिए, इस पीडीएफ में कुछ खास चीज़ें आपके लिए, ठीक है। अब इस पीडीएफ में मैंने किया क्या है बच्चों, इस पीडीएफ में मैंने आपके सारे यूनिट वाइज जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो है ना, मैंने उसको एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश करी। सिंपली जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ कहाँ से आपको, जैसे ये बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू की अगर हम बात करें, तो अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें बच्चों, तो इस सब्जेक्ट्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज वो आपको कहाँ मिलेगा, करेक्ट। तो आप देखिए ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में यूनिट वन में आपको सबसे पहले ऊपर बताया गया है कि आपको यूनिट वन में पढ़ना क्या, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस कॉपी से जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो आपका यूनिट वन ये है, जहाँ पे आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक बुद्धिस्ट और इस्लामिक एरा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें पिछले 5 सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इस पूरे यूनिट को एक्सप्लेन करते हुए पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिस वीडियो का लिंक यहाँ इस पीडीएफ में है। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, हाँ ये बात मुमकिन है कि सारे बच्चों तक ये पीडीएफ शायद ना पहुँच पाए, और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि इस पीडीएफ से यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सेम चीज़ को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने उसको पिन कर दिया। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो उसको सेव कर लीजिएगा, आप कॉपी करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारा सीरियल से मतलब लाइन बाय लाइन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये जो वीडियो है बच्चों, इस वीडियो में बताया गया है कि पिछले 5 सालों में कैसे प्रश्न आपके पूछे गए थे यूनिट वन से, ठीक है, और उसके पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है। अब इस वीडियो के तुरंत बाद आप नीचे आएंगे तो वन बाय वन जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, वैदिककालीन शिक्षा, बौद्धिककालीन शिक्षा, मुस्लिमकालीन शिक्षा, इन कालीन शिक्षाओं को वन बाय वन इस वीडियो में, इन 3 वीडियोस में डिस्कस किया गया। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट एक यूनिट खत्म हो जाता है आपके अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप आगे चलेंगे तो आगे आप देखेंगे तो आपके सेकेंड यूनिट के बारे में एक्सप्लेन किया। सेकेंड यूनिट में देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपके सिलेबस की कॉपी यहाँ पे रखी गई है, और इस वीडियो में आपको बताया गया है कि इस यूनिट में पिछले 5 सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, ठीक है। और उसके बाद वन बाय वन जो फिल्म में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं सर इन सारे पीडीएफ को, ठीक है। तो अब ये आपका लास्ट आ गया फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में मैंने आपको बताया था कि फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। फोर्थ यूनिट जो है आपका अवध यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का थर्ड सब्जेक्ट, उसमें आपके ये देखिए 4 पॉइंट है, एजुकेशन स्टिल लिव टुगेदर, पीस एजुकेशन, जेंडर इशू और इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन को कहते हैं समावेशी शिक्षा। और इसी एक ही वीडियो में आपको ये सारे वीडियोस और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए। तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही आसानी के साथ आपके कम से कम इस सब्जेक्ट्स के 3 यूनिट तो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ बचा है उसको भी हम देखेंगे। अब आइए ज़रा चलते हैं कि इसको डिस्क्रिप्शन में कहाँ रखा गया है, ठीक है। दोस्तों ठीक वैसे ही आपके अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के आपके 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की लिंक यहाँ पे बना के अपडेट की गई है आपके डिस्क्रिप्शन में भी और आपके कमेंट के पिन बॉक्स में भी। बाकी जो साथी टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनको तो वहाँ पे भेज ही दिया गया। अब आइए ज़रा इसको देख लेते हैं कि इसमें अपडेट किया गया। सबसे पहले तो यूनिट 1 में आपका पूरे सिलेबस में क्या पढ़ना है और पिछले 5 साल में यूनिट 1 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आप देखेंगे इस वीडियो में यहाँ पे अपलोड किया गया है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ यूनिट 1 में पिछले 5 सालों में जो पूछे गए थे उनके आंसर्स, जैसे कि मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, थीरीज एंड एम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की इस वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये मैं इस सारी चीज़ों को एक जगह इसलिए इकट्ठा कर दे रहा हूँ ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक वैसे अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में लास्ट 5 ईयर्स में कैसे प्रश्न पूछे गए उन चीज़ों को यहाँ पे अपलोड किया गया है, ठीक है। चलिए वैसे ही अगर हम बात करें इस सेकेंड यूनिट में, तो सेकेंड यूनिट में लास्ट 5 ईयर्स में आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए उसको यहाँ पे दिखाया गया है और उनके आंसर आपको
यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि इसकी एक पॉइंट और बनती है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में दो पॉइंट है मोस्टली, तो दो पॉइंट में से एक ही पॉइंट को यहाँ पे अपडेट किया गया, एक पॉइंट को जल्दी अपडेट किया जाएगा, ठीक है। अब आइए फिर हम चलते हैं आपके फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। फोर्थ यूनिट में वास्तव में आपसे पूछा क्या जाता है, तो इस वीडियो में दिखाया गया कि पूरे पिछले 5 सालों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल हमेशा आपसे इन्वायरमेंट के बारे में पूछता है और एक सवाल आपसे हमेशा जनसंख्या के बारे में यानी कि पॉपुलेशन के बारे में पूछता है, एक सवाल आपको प्रदूषण के बारे में। ये तीन जो सवाल है ना, पर्यावरण, दूसरा प्रदूषण, तीसरा जनसंख्या, तो इन तीनों में से एक सवाल कम से कम 15 नंबर में तो जरूर पूछेगा, ठीक है। तो उसी को आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे पर्यावरण और यहाँ पे प्रदूषण के बारे में अपडेट किया गया है, यहाँ पे बताया गया। तो बहुत ही आसानी से आपके दो विषय पेपर 1 और पेपर 3 में 3 यूनिट तो दोनों में बहुत ही आसानी से आपके कंप्लीट हो जाने हैं, अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं तो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि जो बच्चे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से हैं वहाँ तो मिल गया होगा, बाकी जिनको नहीं मिल पा रहा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो कमेंट बॉक्स है ना कमेंट में जाइए, कमेंट में जाने के बाद आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, जो भी पिन कमेंट होगा ये सारी चीज़ें लिखी होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो 1 by 1 करके आप पहले फर्स्ट वाले लिंक पे जाइएगा, अगर आपने देख रखा हो तो कोई बात नहीं, एक बार और देखेंगे तो रिविज़न हो जाएगा और इस तरीके से आपका पूरा तैयार हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट देना पड़ेगा, वीडियो को देखिए, समझिए, अपनी सीरीज़ पढ़िए, किताब पढ़िए, फिर उसके बाद एक अपना नोट्स बना लीजिए। जब एक बार आप अपना नोट्स बना लेंगे तो वो आपके लिए पक्का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ताकि आपको आसानी से आसान होगा लिखने में एग्जाम्स के टाइम। समझ आ रही बात? चलिए ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बाकी इन दो सब्जेक्ट्स के अलावा हम अब सेकेंड सब्जेक्ट्स को देखेंगे, और सेकेंड सब्जेक्ट्स आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट इन सेंस, उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो हम पहले उसका 1 by 1 सिलेबस देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट 5 फिर क्वेश्चंस, और फिर उस क्वेश्चंस के आंसर को भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे वो बारंबारता पूछा जाए या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से संबंध गुणांक पूछा जाता है, इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं आपके किसमें, आपके सेकेंड सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट्स और थर्ड सब्जेक्ट्स बीएड सेकेंड ईयर के 3 यूनिट के कंप्लीट वीडियोस लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसको सेव कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो आपसे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा, या फिर पूरा लिंक लेके आप दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे और उनका भी भला हो सके, वो भी चीज़ों को समझ सके। अब आइए थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और तैयारी करते हैं साथ में, पढ़ाई करते हैं साथ में, और आशा करते हैं कि इस बार बहुत अच्छे से आप सबको अंक लाना है, नंबर लाना है, और बहुत अच्छे से आपको पेपर देना है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।